नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 ही बढ़िया हो गए। और नया व्लॉग लेके मैं आ चुकी हूँ नई जगह पर। कहाँ पर यार? जिसको हर किसी को होगा खाने का मजा आएगा। और क्या होगा खाने के लिए, कभी चलता है बड़े में मोटी ना, पर आप लोगों को खिला खिला के मोटा जरूर कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से चलते है। तो ये है बबलू श्री फराड़ी सेंटर। यहाँ पर आपको खिचड़ी भी मिल जाएगी, भेल भी मिल जाएगी, वड़े भी मिल जाएंगे और बहुत सारी फलार की ऐसी ऐसी डिशेस मिलेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सारी वैरायटीज फराड़ में भी बनती है। तो यहाँ पर गोल मटेरियल, गोल गोल साबूदाना और आलू के वड़े बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से, साफ सफाई से ये बनाए जा रहे हैं। और फटाफट से अब ये जाएंगे डीप फ्राई होने के लिए और उसके बाद जाएंगे मेरी प्लेट लगने के लिए। तो यहाँ पर ये उनको तोड़ देते हैं, उसके बाद इसके अंदर जाती है मीठी वाली चटनी जिसमें भी वो नमक नहीं डाल रही। ये सारी ही चीज़ें फास्ट में खाने वाली होती है, साथ साथ में हरी वाली चटनी, दही और ये एक प्रॉपरली चाट का लुक लेती है। उसके बाद ये मसाला फराड़ी चेवड़ा और उसी के बाद ये प्लेट आ जाएगी मेरे हाथों में, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी तब तक तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा है। ये ऐसा ही लगता है कि हम कुछ दही की चीज खा रहे हैं, जैसे कि दही बल्ले हो गए, दही बड़ा हो गए। तो मैं तो वेट के लिए बिना फटाफट से फ्राई कर रही हूँ यार। मुझे वैसे ये बड़े पसंद नहीं है, पर इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा जा रहा है ना कि मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे तो खाने का ही मन कर रहा है। आप लोग कहीं पर मत जाना, दूसरी भी चीज है तो वो भी खानी है। तो यहाँ पर हमें एक अंकल जी मिले हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। कितने टाइम से आते हैं अंकल जी? मैं तो कई 3-4 साल से आता हूँ, जब भी यहाँ से निकलता हूँ तब मैं यहाँ टेस्ट करके जाता हूँ। आपको इसका मजा आता है? मजा आता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहसिन। अच्छा, मोहसिन मेमन। काका आते हैं 4-5 साल से, तो कितना बढ़िया होगा। और कुछ बताना चाहोगे? नहीं, बस मैं ये साबुदाना भी इसका ही एक ओनली रेट है। काका ने तो खा के ऐसे ही बता दिया कि इसका टेस्ट कितना ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर आने से पहले मुझे कंफ्यूजन था कि भेल और खिचड़ी एक ही होती, बट यहाँ पर पता चला कि दोनों ही चीजें अलग अलग होती है। तो यहाँ पर 2-3 वेफर्स, उसका कॉम्बिनेशन मसाले, अनारदाना, उसके बाद नींबू, तो उसके बाद मीठी चटनी जो कि बनती है गुड़ और इमली से, उसके बाद तीखी चटनी जो कि होती है फुदीना, हरी धनिया और मिर्ची के, और उसके बाद ढेर सारा धनिया पत्ती और बॉयल्ड आलू, और सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मिक्स। और हाँ, यहाँ पर पार्सल के लिए भी बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध है, साथ साथ में आप जोमेटो और स्विगी भी कर सकते हो। और यहाँ पर और भी अच्छे से डेकोरेट करके हर चीज़ को दिया जाता है, जिसके उसका टेस्ट और जायका और भी उभर के आए और ऐसा ना लगे कि हम उपवास की कोई चीज़ खा रहे हैं, ऐसा ही लगेगा कि हम कोई चाट खा रहे हैं। तो उसके बाद मैं भी उसको टेस्ट करती हूँ और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चाट में होती है, फिर भी ये चाट की तरह ही टेस्ट करती है, तो बड़ा ही मज़ा आया खा के। तो हम ये जो काट है उसके ओनर से बात करेंगे कि यहाँ पर भैया आप कितने टाइम से दुकान लगाते हो? 15 साल। कितनी वेराइटीज है यहाँ पर? 3-4 वेराइटी। 3-4 है। अब बता दीजिए क्या क्या है? खिचड़ी है, वड़ा है, भेल है, बफड़ा है। अच्छा, सारी उपवास में खाने वाली चीजें है ना? बफड़ा है। अच्छा, कब से स्टार्ट किया आपने ये? 15 साल हो। 15 सालों से है, तब भी लगता है कि इतनी ज्यादा भीड़ है आपके यहाँ पर। अच्छा, और एक चीज मुझे पूछनी थी, यहाँ का एड्रेस किसी को आना हो तो? ये धनीधर जयदीप टावर। अच्छा, तो जीजो भी फास्ट कर रहा है और मेरी तरफ फराड़ी बेल खाने का शौकीन है, मोस्ट विजिट करना इस प्लेस को। तो उसके बाद यहाँ का हीरो यानी कि फराड़ी खिचड़ी, तो उसके अंदर जाता है फराड़ी चेवड़ा, साबुदाना खिचड़ी, नमक, नींबू और धनिया पत्ती, अनारदाना, और ये सारी ही चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से ये मिक्स करते हैं और सर्व कर देते हैं प्लेट में, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसके ऊपर और फराड़ी चीज डालकर। तो ये प्लेट आ जाती है मेरे पास टेस्टिंग के लिए और मैं भी फटाफट से बिना देर के टेस्टिंग करके आपको बताती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो फाइनली ये फराड़ी भेल जो कि उसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग फराड़ी खिचड़ी भी बोलते हैं, तो ये आ चुकी है हमारी प्लेट में और फटाफट से क्या करेंगे यार, खाएंगे ही ना, तो ट्राई करते हैं। बेस्ट है
और श्रावण महीने में खाने के लिए तो बेस्ट है, जिस दिन का भी फास्ट है वो यहाँ पर आके ट्राई कर सकता है। और हाँ, जो भी मेहनत करता है वो छोटे से लेके बड़े मुकाम तक जरूर से पहुंचता है। तो वो छोटी सी दुकान थी और ये दुकान भी उन्हीं की ब्रांच है। और हाँ, यहाँ पर भी आपको फराल की हल आइटम्स मिल जाएगी, साथ साथ में फराल में जो भी स्वीट हो गया, नमकीन हो गया, जो भी चीज़ें आप खाना चाहो यहाँ पर हर तरह की इतनी ज़्यादा वेराइटी है कि मैं खुद देख के शौक थी कि ये सारी चीज़ें फराल की है। फराल के समोसे, फराल की कचौरी, मैं तो देख के उस दिन शौक हो गई कि फराल में भी समोसे और इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ होती है। बट मेरा पेट फुल था तो मैंने ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया। बट हाँ, ये ज़रूर से पता चला कि मेहनत करोगे तो एक दिन सफल ज़रूर से होगे। तो आप लोग भी मेरी तरह मेहनत करना मत छोड़िए या कि व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, बट वीडियोज़ बनाना मैं जैसे नहीं छोड़ती, कुछ ना कुछ रखते ही रहती हूँ। हाँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते बट मैं तो रखती रहती हूँ। और इसका एड्रेस है धरणीधर ब्रिज के पास, तो एक ब्रिज के स्टार्टिंग में है और एक ब्रिज के बीच में है। तो खाइए और कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।